फेमस सिंगर और रैपर बादशाह के हाल ही में रिलीज एल्बम सनक के एक गाने पर विवाद की स्थिति बन गई है। महाकाल मंदिर के पुजारियों सहित कई शिव भक्तों ने गाने में अश्लील शब्दों के साथ भोलेनाथ का नाम उपयोग करने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने गाने से भगवान का नाम हटाने और माफी मांगने की बात कही। अगर बादशाह ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी। बादशाह का 2 मिनट 15 सेकंड का नया गाना जमकर ट्रेंड हो रहा है। गाने के 40वें सेकंड में अंतरे के बोल हैं, कभी सेक्स तो कभी ज्ञान बांटता फिरूं। और इस गाने में आगे भी अश्लील शब्दों का प्रयोग हुआ है। गाने में आया है कि हिट पर हिट में मारता फिरूं, 3-3 रात में लगातार जागता भोलेनाथ के साथ मेरी बनती है। इस गाने को सोशल मीडिया के यूट्यूब पर अब तक 18 मिलियन लोग देख चुके हैं, लेकिन इस गाने से अब शिव भक्तों में नाराजगी है। महाकाल मंदिर में वरिष्ठ पुजारी ने आरोप लगाया कि हिंदू सनातन में छूट का दुरुपयोग हो रहा है। फिल्म स्टार हो या गायक, उन्हें भगवान के नाम पर अश्लीलता फैलाने का कोई अधिकार नहीं है। देश भर में एक साथ उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह तो हर कोई सनातन धर्म को गलत ढंग से पेश करता रहेगा। हम इसका विरोध करते हैं। वहीं उज्जैन वासियों ने कहा कि जिस गाने में भोलेनाथ का नाम लिया है उसी गाने में अश्लीलता परोसी जा रही है, यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तत्काल गाने को सोशल मीडिया से हटाया जाए और बादशाह सभी शिव भक्तों से माफी मांगे, नहीं तो 24 घंटे में FIR दर्ज कराई जाएगी। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।